होंडा की गाड़ियां क्यों नहीं बिक रही। होंडा ने 2018 में अपनी कार मोबिलियो को बंद किया। 2019 में इन्होंने अपनी गाड़ी ब्रियो को बंद किया। 2020 में एक साथ होंडा अकॉर्ड, होंडा सीआरवी और होंडा बीआरबी सबको बंद कर दिया। गाड़ियों को बंद करने तक तो ठीक था, पर इसके बाद इन्होंने ग्रेटर नोएडा में जो इनका प्लांट था, जहां पर 1,00,000 गाड़ियां बनाई जा सकती थी, उसको भी बंद कर दिया। अगर होंडा की सेल्स की बात की जाए तो हर साल इनकी गाड़ियों की सेल्स कम ही होती चली जा रही है, पर एक ऐसी कार कंपनी जो कभी इंडिया में नंबर 2 पर आती थी। आने वाले समय में अगर इंडिया से पूरी की पूरी बाहर ही हो जाए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस देश में महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियां तबाही मचा रही हैं बेहतरीन गाड़ियां बनाकर, वहां पर होंडा जैसी कंपनी जो पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर गाड़ियां बनाती थी, तो क्यों टिक नहीं पा रहा है? कुछ बेहतरीन सा बताएंगे प्लीज। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, भारत में मारुति के बाद जब होंडा कार्स आए थे तो वो लाए थे बेहतरीन सर्विसेज और सुपीरियर कार प्रोडक्ट्स, जो कि आज हर दूसरी कंपनी दे रही है। भारत में आज चारों तरफ एसयूवी कार का बोलबाला है। होंडा के पास एक ढंग की एसयूवी नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट, होंडा के पास इंडिया के लिए कोई विजन ही नहीं है।